Hey guys, what's up? This is Jonath. और आज मैं Ultimate Spider-Man के full story को हिंदी में explain करने वाला हूँ। ये एक action adventure game है जो 22nd September 2005 को release हुआ था। और ये video एक viewer requested video है, जहाँ आप लोग comment section में जो भी story explanation videos की request करते हैं, जब भी time मिलता है मैं उन videos को बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। So let's get started. ये कहानी हमारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे ही एक अल्टीमेट नाम के पैरेलल यूनिवर्स में रहने वाला स्पाइडरमैन की है। अल्टीमेट यूनिवर्स के पीटर पार्कर भी ऑस्बोर्न इंडस्ट्री के रेडियोएक्टिव मकड़ी के काटने के बाद स्पाइडरमैन में बदल गया था। इस पैरेलल यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का बचपन का दोस्त एडी ब्रोक है। बहुत साल पहले एडी और पीटर के पिता एक साथ मिलकर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों को खत्म करने के लिए एक काले रंग का तरल पदार्थ को बनाया था। यह ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस इंसानी शरीर के संपर्क में आने से एक ब्लैक सूट में बदल जाता है, जो सूट उस बीमार इंसान को पूरी तरह से ठीक करने के साथ उसके शक्तियों को बढ़ाते हुए उसको सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी दे देता है। इस ब्लैक सूट के महत्व को जानने के बाद पीटर और एडी के पिता को चालाकी से धोखा देते हुए ट्रस्क इंडस्ट्री का मालिक बोलीवुड ट्रस्क उनसे उस सूट को खरीद लेता है, जिसका फलस्वरूप उस सूट पे पीटर और एडी के पिता फर्दर रिसर्च करके उसको कंप्लीट करने में असफल रह जाते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद पीटर और एडी के पिता और साथ ही पीटर की माँ भी रहस्यमय तरीके से अचानक एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। हाल ही में इन सब चीजों के बारे में एडी से पीटर को डिटेल्स में पता चलने के बाद पीटर छुपके ट्रस्क इंडस्ट्री में घुस के उसके पिता का बनाया हुआ उस ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस को चुरा लेता है, ताकि पीटर उस पर फर्दर प्रयोग करते हुए उस सूट को कंप्लीट करके उसके और एडी के पिता का सपना पूरा कर पाए। उसके बाद पीटर उस लिक्विड सब्सटेंस को खुद के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसका फलस्वरूप वो लिक्विड सब्सटेंस पीटर के शरीर के साथ खुद को जोड़ के एक ब्लैक सूट में बदल जाता है। शुरुआत में उस ब्लैक सूट को पहन के पीटर को पहले से खुद को काफी ज्यादा तेज और ताकतवर महसूस हो रहा था, पर बाद में पीटर देखता है वो ब्लैक सूट पीटर को उसके मुताबिक चलाना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे वो सूट पीटर के शरीर को भी खाना शुरू कर दिया है। मजबूरन उस ब्लैक सूट को अपने काबू में नहीं ला पाने की वजह से पीटर किसी तरह उसको अपने शरीर से रिमूव करके अपना जान बचाता है। बाद में पीटर का दोस्त एडी को पता चलता है पीटर ने उस ब्लैक सूट को रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर दिया है, और पीटर ही असल में स्पाइडरमैन है। इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद एडी को लगने लगा पीटर उसका बचपन का दोस्त होने के बावजूद भी पीटर ने उसके साथ विश्वासघात किया है, और गुस्से में एडी भी ट्रस्क इंडस्ट्री में घुस के उसके पिता का बनाया हुआ बाकी के ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस को चुरा के उसको अपने बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसका फलस्वरूप एजी वेनम में बदल जाता है। वेनम बनने के बाद एजी सीधे पीटर के पास आके उससे बदला लेने के लिए पीटर को मारने की कोशिश करता है। पर उस फाइट के दौरान बिजली के झटके से एडी वहां मारा जाता है। दूसरी तरफ ट्रस्क इंडस्ट्री का एक एम्प्लॉय एड्रियन चूम्स उस दिन स्पाइडरमैन और वेनम के फाइट को उसके आंखों के सामने देखा था, जिससे उसको समझ में आ गया ये ब्लैक सूट कितना पावरफुल है। उसके बाद एड्रियन उस सूट के क्षमताओं के बारे में उसके बॉस को इन्फॉर्म करता है। इस घटना के 3 महीने बाद पीटर फिर से उसका गर्लफ्रेंड एमजे के साथ एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा था। इस दौरान उसने उसका सुपर हीरो फ्रेंड फैंटास्टिक फोर का ह्यूमन टॉर्च यानी जॉनी स्टॉर्म के साथ एक मजेदार रेस भी लगाया,
और सारे क्रिमिनल से लड़ते हुए उसके शहर को पहले की तरह सुरक्षित भी कर रहा था। दूसरी तरफ ये रिवील किया जाता है वेनम यानी एडी ब्रॉक अभी भी जिंदा है। पीटर की तरह एडी के बॉडी को भी वो वेनम सूट खाने की कोशिश कर रहा था, पर एडी खुद को बचाने के लिए मजबूरन अब दूसरे लोगों के लाइफ एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद आम लोगों को खाते हुए वेनम एक बार के अंदर चला आता है जहां उसका सामना उल्वरिन से होता है। पर अंत में वेनम उल्वरिन को भी हराने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ पीटर को एमजे से पता चलता है शहर के सड़कों पे राइनो तोड़फोड़ कर रहा है। अल्टीमेट यूनिवर्स में राइनो असल में ट्रस्क इंडस्ट्री का बनाया हुआ एक बड़े साइज का आधुनिक रोबोट सूट है जिसको एलेक्स ओहेन कंट्रोल करता है। पीटर देर ना करते हुए एमजे के कहने पे राइनो को रोकने निकल जाता है। राइनो के रोबोट सूट को नष्ट करने के बाद उसके अंदर मौजूद पायलट एलेक्स को पीटर पुलिस के हवाले कर देता है। इस दौरान ट्रास्क उस ब्लैक सूट को हासिल करने के लिए सिल्वर सिविल और उसके मशीनरी वाइल्ड पैक नाम के टीम को हायर करता है। सिल्वर सिविल के लोग वेनम के ऊपर हमला करता है, पर सिल्वर सिविल के लोगों से लड़ते हुए वेनम वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद एमजे के साथ मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में पीटर एक फील्ड ट्रिप के दौरान घूमते हुए उस बिल्डिंग के आसपास में वेनम का प्रेजेंस सेंस करता है। पीटर वेनम यानी एडी को जिंदा देख चौंक जाता है और वेनम को समझाते हुए उसको रोकने की भी कोशिश करता है। Don't make me hurt you, Eddie. I'm totally serious. Brock, sit. You guys the shield? You're in the way! पर उन दोनों के फाइट का फायदा उठाते हुए सिल्वर सिबिल उसके टीम के साथ मिलके वेनम को कैप्चर करने में कामयाब हो जाती है। असलियत से अनजान पीटर को लगने लगता है सिल्वर सिबिल शील्ड के लिए काम करती है और वे वेनम को बंधक बना के शील्ड के बेस में ले जा रहे हैं, जबकि सिल्वर सिबिल वेनम को ट्रास्क के हाथों सौंप देती है। वापस एमजे से मिलने के बाद पीटर उसको बताती है इस ब्लैक सूट को बनाने के लिए उसके पिता यानी रिचर्ड पार्कर के डीएनए को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए जब भी वेनम स्पाइडरमैन के आसपास होता है तो पीटर का स्पाइडर सेंस काफी ज्यादा बढ़ के उसको सरदर्द होने लगता है। एमजे बताती है इसका मतलब है कि ये ब्लैक सूट तुम्हारे पिता की और तुम्हारे शरीर का ही एक अंश है। दूसरी तरफ ट्रॉस्क इंडस्ट्री में
हॉलीवुड ट्रस्क बंधक एडी को बताता है इस वेनम सूट की कीमत कई अरब डॉलर है, इसलिए वो इसको टेस्ट करना चाहता है। और अगर एडी उनके एक्सपेरिमेंट को करने से मना कर देता है तो ट्रस्क एडी को उसके एनर्जी केज में ही बंद करके रख देगा, जहां वेनम सूट धीरे धीरे कोई लाइफ एनर्जी ना पाने के वजह से एडी के बॉडी को ही कंज्यूम कर लेगा। और एडी मरने के बाद ट्रस्क किसी और व्यक्ति को इस सूट को टेस्ट करने के लिए हायर कर लेगा। खुद का जान बचाने के लिए मजबूरन एडी ट्रस्क के बातों पर हामी भर के वेनम सूट के एबिलिटीज के ऊपर टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वेनम सूट के एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए ट्रस्क के कहने पे एडी इलेक्ट्रो का पीछा करते हुए उसका सामना करता है। दूसरी तरफ पीटर उन दोनों को लड़ते देख इलेक्ट्रो को रोकने की कोशिश करता है, पर उल्टा इलेक्ट्रो पीटर को बिजली का झटका देते हुए ऊंचाई से गिरा देता है। I thought you and me had something special. I bet it's Daredevil, isn't it? What does he have? Back off, kid! I did it! I finally got that! और गिनने के बाद पीटर बेहोश हो जाता है। अंत में वेनम बेहोश पीटर को इलेक्ट्रो से बचाते हुए इलेक्ट्रो को हराने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद उस जगह पे शील्ड के लोग आके इलेक्ट्रो को गिरफ्तार कर लेते हैं, पर वेनम वहां से भाग के वापस ट्रस्क इंडस्ट्री में लौट आता है। होश आने के बाद पीटर निक फ्यूरी को देख गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि हर समय उसके पर्सनल लाइफ में शील्ड का दखलअंदाजी पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ट्रस्क इंडस्ट्री में एडी बॉलीवुड ट्रस्क को बताता है स्पाइडरमैन के मौजूदगी में वेनम सूट को एडी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। ये जानने के बाद ट्रस्क को याद आ जाता है कि रिचर्ड पार्कर के डीएनए से ही उस सूट को बनाया गया था। इसका मतलब स्पाइडरमैन के बॉडी में रिचर्ड पार्कर का डीएनए है, यानी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर का असलियत पता चलने के बाद ट्रस्क एडी को स्पाइडरमैन पे हमला करके उसके डीएनए को लाने का ऑर्डर देता है, जिसके मदद से वे फ्यूचर में वेनम सूट को स्टेबलाइज कर पाएंगे। ऑर्डर के मुताबिक एडी सेबल के साथ पीटर की तलाश में निकल जाता है, पर रास्ते में एडी वेनम में ट्रांसफॉर्म होके सिल्वर सेबल और उसके लोगों से लड़ते हुए वहां से भाग जाता है। इस दौरान सुपरविलेन बीटल किसी के ऑर्डर पे ग्रीन गॉब्लिन को आजाद कर देता है और एक कंटेनर में मौजूद सैंडमैन के सैंपल को भी चुरा लेता है।
पीटर उसको रोकने की कोशिश करता है पर बीटल किसी तरह स्पाइडरमैन से भागते हुए लैटवेरियन एम्बेसी के अंदर चला जाता है। बाद में निक फ्यूरी पीटर को लैटवेरियन एम्बेसी में घुसपैठ करने के लिए कन्विंस कर लेता है पर उस बिल्डिंग में घुसने से पहले ही गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है। अल्टीमेट यूनिवर्स में नॉर्मन ऑसबोर्न गॉब्लिन का सूट नहीं पहनता है बल्कि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबोर्न खुद को म्यूटेट करते हुए एक खतरनाक डेमोनिक गॉब्लिन में बदल जाता है। अंत में पीटर नॉर्मन ऑसबोर्न को हराने में कामयाब हो जाता है और शील्ड के लोग घायल ऑसबोर्न को वापस गिरफ्तार करके उनके साथ लेके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बीचल वेनम पे हमला करके वेनम से उसके सूट में मौजूद सिम्बियोट का एक सैंपल लेने की कोशिश करता है पर उल्टा वेनम बीटल को अधमरा करते हुए वहां से निकल जाता है। उसके बाद ट्रस्ट के कहने पे सिल्वर सेबल पीटर को किडनैप करके ट्रस्ट इंडस्ट्री में ले जाने की कोशिश करती है पर रास्ते में पीटर एक ब्रिज के ऊपर सेबल के गाड़ी से निकल के सेबल और उसके लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। उनके फाइट के वजह से उस ब्रिज में चलती गाड़ियां बेकाबू होके ब्रिज से नीचे गिरने वाला होता है। ये देख आम लोगों को बचाने के लिए पीटर और सिल्वर सेबल साथ मिलके एक दूसरे की मदद करते हुए उनको ब्रिज से नीचे गिरने से बचा लेता है। सबको बचाने के बाद सिल्वर सेबल फिर से पीटर को बेहोश करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर अचानक वेनम वहां आके सिबिल को किडनैप करके वहां से लेके चला जाता है। उसके बाद पीटर सिल्वर सिबिल को बचाने के लिए वेनम का पीछा करते हुए उसका सामना करता है। स्पाइडरमैन और वेनम एक दूसरे से लड़ते हुए काफी ज्यादा टायर्ड होके बेहोश हो जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए सिल्वर सिबिल उन दोनों को पकड़ के वापस ट्रस्क इंडस्ट्री में चली आती है। ट्रस्क इंडस्ट्री में पीटर को एक वेनम सूट के सैंपल से इंजेक्ट किया जाता है ताकि वे उस सूट के साथ पीटर का डीएनए मिलके कैसे रिएक्ट करता है वो देख पाए। अचानक पीटर उस सैंपल को लेने के तुरंत बाद कार्नेज में बदल जाता है और वहां मौजूद सभी को मार के वेनम का सामना करता है। Oh my God, I know. You, Parker. अंत में वेनम कार्नेज को हरा के कार्नेज सिम्बियोट को खुद के बॉडी में ऑब्जर्व करते हुए पीटर को बाहर निकाल देता है। एडी देखता है कार्नेज सिम्बियोट को पीटर के बॉडी से ऑब्जर्व करने के बाद अब वो पूरी तरह से वेनम सूट को अपने मुताबिक कंट्रोल कर पा रहा है। पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली होने के बाद एडी ट्रस्ट को ढूंढ के उससे बदला लेने चला जाता है। दूसरी तरफ पीटर वेनम से पहले ही ट्रस्ट तक पहुंच के उसके पिता के बारे में डिटेल्स में जानना चाहता है। डर के मारे ट्रस्क पीटर को मजबूरन एक कॉन्फिडेंशियल फाइल देता है जहां पीटर के और एडी के पिता के बारे में सारी जानकारी मौजूद है पर पीटर उस फाइल को ट्रस्क से लेने से पहले ही वेनम ट्रस्क के ऊपर हमला कर देता है और ट्रस्क अपना जान बचाते हुए उसके हेलीकॉप्टर में उस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करता है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करने से पहले ही सिल्वर सेबल उसके सामने आ जाती है पर सेबल पीटर को बताती है ट्रस्क के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट 10 मिनट पहले ही खत्म हो चुका है इसलिए सेबल अब ना ही पीटर से लड़ेगी और ना ही ट्रस्क को बचाने की कोशिश करेगी। ट्रस्क को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता है इसलिए सिल्वर सेबल के वहां से जाने के बाद वो उस रूफटॉप में ही स्पाइडरमैन और वेनम के साथ फंस जाता है। उसके बाद वेनम ट्रस्क को मारने के लिए उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है पर पीटर वेनम से लड़ते हुए उसको अंत में हरा देता है
और बाद में शील्ड के लोग वहां आके ट्रस्ट को गिरफ्तार कर लेता है, पर वेनम वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद पीटर फाइनली उस कॉन्फिडेंशियल फाइल को पढ़ के रियलाइज करता है ट्रस्ट इंडस्ट्री में काम करने के समय पीटर का पिता रिचर्ड पार्कर एडी के पिता के साथ मिलके उनके ब्लैक सूट के ऊपर किया गया सारे रिसर्चेस और सैंपल को जला दिया था ताकि वे बॉलीवुड ट्रस्ट के हाथों ना लग पाए। पर एडी का पिता छुपके एक ब्लैक सूट के सैंपल को अपने पास ही रख लिया था। वही सैंपल को एडी का पिता उस प्लेन में खुद के ऊपर इस्तेमाल किया था, जिसका फलस्वरूप वे आपाक होके उस प्लेन को तहस नहस करना शुरू कर दिया और अंत में उनके प्लेन क्रैश होके उसके अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। ये जानने के बाद पीटर निक फ्यूरी को बताता है एडी को ये फाइल देखना चाहिए ताकि एडी के पिता के जैसे ही एडी भी वही सेम गलती ना करे। जवाब में फ्यूरी बताता है एडी शील्ड के आने से पहले ही वहां से भाग गया है। इस घटना के कुछ दिन बाद वेनम जेल में घुस के फाइनली ट्रस्ट को मार के उसका बदला पूरा करता है। उसके बाद हम पीटर को एमजे के साथ बैठ के उसके बचपन का दोस्त एडी के लिए वॉरिड होते हुए देखते हैं। पीटर एमजे को बताता है उसको पता नहीं है अब से उसको एडी से डर के रहना चाहिए या फिर एडी के लिए डरना चाहिए, क्योंकि एडी यानी वेनम गलत रास्ते को चुना है जिसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। दूसरी तरफ हम एडी को एक बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाते हुए वेनम में बदलते हुए देखते हैं और यहाँ पे अल्टीमेट स्पाइडरमैन की कहानी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।